वेलकम बैक टू अ न्यू लाइव स्ट्रीम। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेकंड लास्ट डे है इस वीक का, जहाँ पे एक मैच हो चुका है वरेंगा का, और ये आप देख रहे हैं दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, सेकंड मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जो कि गोल्डन वुड्स में होने जा रहा है। सो लेट्स सी गाइस, इसमें कौन कौन डोमिनेट कर पाता है। पिछला मैच तो चला गया राइडर वालों के खाते में, वो काफ़ी ओपी खेले। सो लेट्स सी ये कौन लेके जाता है अपने खाते में। सो गाइस, यहाँ पे आ चुके हैं बैक्स हंटर, आ चुके हैं किंग बाबा, आ चुके हैं। अरे यार, मेरा फिंगरप्रिंट क्यों नहीं लग रहा? अच्छा, अब सही है भाई। सो गाइज, यहाँ पे किंग बाबा आ चुके हैं। हाँ ब्रो, माइक ग्लिच होता है यार। बहुत इश्यू होता है यार, पिछले मैच में भी माइक ग्लिच हो गया था और अब भी ग्लिच हो गया था। तो भाई ये सीन्स गलत हैं, ये माइक ग्लिच वाले। बाकी यार अल्लाह खैर करेगा। तो यहाँ पे सर हान आ चुके हैं और किंग बाबा आ चुके हैं, मेंटल नोमी आ चुके हैं, मेंटल अलियान, और यार स्टार की टीम पूरी आ चुकी है। सबसे पहले स्टार की टीम आई है। सो बिग थम्स अप टू स्टार वालों को, जो कि टाइम पे पहुँच रहे हैं। जैबैक्स किलर भी आ चुके हैं, फादी भी आ चुके हैं, सर खान, किंग बाबा, वेनम राइडर और वेनम मादी भी आ चुके हैं। यहाँ पे वेनम सैफी भी आ चुके हैं, छज्जू बाबा आ चुके हैं, और स्टार की सारे बंदे। अभी तक इनके अलावा कोई बंदा रूम में नहीं आया। सो गाइस, और बताओ सब कैसे हो? मैं ज़रा स्ट्रीम का लिंक शेयर कर देता हूँ, बल्कि चलो यार आज ऐसे स्ट्रीम करते हैं विदाउट लिंक शेयरिंग। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं लिंक शेयर कर ही देता हूँ यार, फिर बाकी गिला करेंगे कि यार लिंक शेयर नहीं किया। सो लेट्स शेयर द लिंक गाइस। और यहाँ पे हमारे हो चुके हैं 230 सब्स गाइस। अब करवाओ यार 20 और करवाओ, ताकि मज़े हो जाएं। व्हाट द हेल, सॉरी गाइस, मैंने यार शेयर कॉपी, इंशाल्लाह 1000 होंगे, इंशाल्लाह ब्रदर 1000 होंगे। अरे प्रीव्यू क्यों नहीं आ रहा? आई डोंट नो। चलो अब आ गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। कैसे हो आप लोग यार? कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, मैं ठीक, आप बताओ कैसे हो? यार इतने सारे ग्रुप्स हैं, वेयर इज़ द अनदर वन? मैं ज़रा ये लिंक शेयरिंग कर लूँ ना, फिर इंशाल्लाह आते हैं स्ट्रीम पे आते हैं। और वेयर इज़ द अदर ग्रुप? ठीक हो गया। हसनी गेमिंग प्रमोशन ग्रुप यहाँ पे भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। आज तो भाई सबसे ज़्यादा शेयरिंग करनी है।
पता चले भाई कोई स्ट्रीमिंग हो रही है, कोई स्क्रीम्स हो रहे हैं, तो विक्की गेमिंग वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम ब्रो, आईबेक्स फादी वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, राइडर अहमद वेलकम टू द स्ट्रीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताओ कैसे हो, हसीबुर रहमान वालेकुम सलाम वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, अरे यासिर महमूद भाई वालेकुम सलाम एंड वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, वालेकुम सलाम मुजफ्फर जानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताओ कैसे हो और कैसे हैं, शहरी आ चुके हैं सर, साइको आ चुके हैं, वैनम की टीम पूरी आ चुकी है, डेंजर बाबा के दो बंदे, मेंटल के दो बंदे, डार्क का एक बंदा और स्टार की टीम पूरी है। पिछला मैच में काफ़ी टीम्स ओपी के लिए हैं, यहाँ पे स्टार अब्दुल मेरे साथ स्पेक्टेट में है जो कि स्पेक्टेट करेंगे मेरे साथ साथ। कपिन तेरे न मैं हूँ जीत सका, बताओ कैसे। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि कोई किसी और चीज़ पे स्विच कर लूँ ना फॉर स्ट्रीमिंग पर्पस, होप सो मैं स्ट्रीम लैब्स की तरफ जाऊँगा। एबेक्स में कौन कौन खेल रहे हैं भाई, एबेक्स में आईबेक्स किलर खेल रहा है, आईबेक्स सेंटर खेल रहा है, उस्मान खेल रहा है और साथ में उसामा खेल रहा है, तो उसामा का मेरे ख्याल से इंटरनेट इशू है तो उसकी जगह इंशाल्लाह कोई और खेलेगा। अरे यासिर ब्रो बस यार आप कहाँ पे आते हो हमारी स्ट्रीम पे, आप चक्कर लगा लिया करो तो आपको ये शर्फ बार बार हासिल होगा। यार रूम की सीन गलत है यार, ये इंटरनेट ने सस्ते नशे किए हुए हैं, पबजी मोबाइल लाइट ने सस्ते नशे किए हुए हैं। सो यार मैं जब खेलता हूँ ना तो मेरा हर मैच में माइक ग्लिच हो जाता है, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकली स्क्रीम जो होंगे ना तो उसका मैं कोई अलग ही सीन करूँगा, रूम किसी और से ही बनवाऊँगा जब मैं खुद खेलूँगा। राइडर वाला कोई नहीं है स्पेक्टेट में फ़िलहाल, तो ये है कि मैं तकरीबन इन स्क्रीम्स के 3-4 मैचेस खेला हूँ और सब में मेरा माइक ग्लिच हो जाता था, तो बहुत मुश्किल हो जाता है यार जब आप IGL हो और आपका माइक ग्लिच हो जाए तो सब चीज़ें बहुत ख़राब जा रही होती हैं। सो लेट्स सी यार आगे हम क्या क्या स्टेप्स उठा पाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकली स्ट्रीम में भी बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि वहाँ पे और भी टीम्स, उन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन कराई हुई है काफ़ी टीमों ने, मतलब 5-6 ऐसी टीम्स हैं कि उन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। कसम से आपको गेम में देख के दिल गार्डन गार्डन होता है, अरे राइस ब्रो यार ये सब आपका प्यार है यासिर ब्रो, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी इंशाल्लाह यार गेम शेम भी होती रहेगी और आप कभी कभी चक्कर लगा लिया करो हमारी स्ट्रीम पे, और अभी तो बस स्क्रीम्स वगैरह चल रहे हैं इसी में चाहते हैं कि प्रैक्टिस हो जाए गेम को बेहतर बनाए, बाकी देखते हैंगे कि गेम कितनी इम्प्रूव हो पाती है, क्योंकि यार क्लासिक खेल खेल के ना मतलब एक तो बंदा बोर हो जाता है और इतना मज़ा नहीं आता जितना आपको स्क्रिम्स में आता है, मतलब आपको अपने लेवल की टीम्स देखने को मिलती है, कुछ आपसे हायर लेवल की होती है तो उनका उनके साथ कंपीट करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क और उसमें मज़ा भी आता है। अरे यार राइडर्स के सपोर्टर तो बहुत हैं, तो इधर गाइस 18 ये देखो ना अब 18/60 शो हो रहे हैं, सो मुझे मज़ीद बंदे नहीं शो हो रहे कि कितने आ चुके हैं कितने नहीं आए, सो 4 मिनट रह गए हैं, सो गाइस जल्दी जल्दी ज्वाइन करो और मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूंगा, 8:58 पे स्टार्ट हो जाएगा, 8:58 पे डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। सो हमें पंक्चुअल भी रहना है ठीक है, टाइम पे सब चीज़ें करनी है ताकि पंक्चुअलिटी अपनी लाइफ में भी आ जाए ना, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं ज़रा व्हाट्सएप पर
किसकी कॉल आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। फादी को बोलो ना, कॉल करो, बोलो एक्सपेक्टेड में आ जाओ। चलो ठीक है। चलो भाई साहब, शील्ड मोड ऑफ कर दिया है अभी यार। गाइस चलो मैं 2 मिनट रीस्टार्ट कर लेता हूँ ना, क्योंकि अभी रूम का ग्लिच हो रहा है भाई। ये बहुत रोले हैं यार, कसम से। आई डोंट नो, पता नहीं यार रूम क्यों ग्लिच हो जाते हैं। इन पबजी लाइट को इस पे काम करना चाहिए। बताऊँ कैसे, क्या बिन तेरे न मैं हूँ जी सका। हाँ भाई पता है यार, ये शरी भाई हैं अपने। यार छोड़ो यार, मिस कराओ, हेटर्स हर जगह पे होते हैं, तो उनकी वजह से अपनी गेम शेम खराब मत करो। हंटर कहाँ पे चला गया है? अरे यार ये रूम बार बार क्यों ग्लिच हो रहा है यार? अब पता ही नहीं चल रहा कि कितने बंदे हैं कितने नहीं हैं। अरे यार क्या गंद है ब्रो। अब इंशाल्लाह ये सही हो जाए ना यार, ये रूम के ग्लिचेस वगैरह सही हो जाए। अब इंशाल्लाह मैं ये रूम बनाने वाले काम किसी और को ही दूंगा, क्योंकि मेरा एक तो माइक ग्लिच हो जाता है और बाकी यार रूम्स वगैरह ग्लिच हो जाते हैं, तो उसी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हाँ ब्रो, कल का इंशाल्लाह बस एक रूम में रह गया ना, उसके बाद फिर कोई सीन करेंगे यार, क्योंकि इस तरह रोज़ रोज़ यार रूम के ग्लिचेस बर्दाश्त करना यार सही नहीं है। बाकी यहाँ पे अब सब आ चुके हैं लॉबी में, सो लेट्स सी यार ये मैच कौन अपने नाम करके जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं टीम्स को। नंबर 1 वेबएक्स किलर उसामा, हंटर और उस्मान आए हुए हैं। राइडर शेरी, जुनैद किलर और हिटमैन आए हुए हैं। बीस्ट वासे, ओपी, जबी और लेजेंड आए हुए हैं। टायरेंट के 4 बंदे, टायरेंट, खान, दानी और साइको। वेनम के भी 4 बंदे आए हुए हैं, सैम, सफ़ी और राइडर और मादी। शजू बाबा के भाई साहब 4 बंदे पूरे आए हुए हैं आज। शजू बाबा, विक्की बाबा, हिटलर बाबा एंड किंग बाबा। भाई ये डेंजर है, सारे डेंजर बाबा के बंदे। बाकी मेंटल के 3 बंदे, मेंटल नोमी, मेंटल अलियान और मेंटल स्मोकी। इनका एक बंदा ना आ सका, आई डोंट नो वाई। नंबर 9 की टीम पे है डार्क की टीम, डार्क जोकर, डार्क सफ़ी और डार्क बोला। ओके, टीम 10 में है स्टार अली, स्टार जूबी और स्टार हान और स्टार वहाब। सो गाइज देखते हैं कि प्लेन रूट कहाँ से कहाँ बनता है। अच्छा, ये ट्रेनिंग सेंटर से बना है रिजॉर्ट। सर ट्रेनिंग सेंटर से रिजॉर्ट, जिसके मिडल में आती है मिलिट्री स्कूल। देखते हैं कि मिलिट्री स्कूल पे कौन कौन उतरते हैं। ब्रो साथ में है वाइपर है और स्टार अली है, स्टार वो है अब्दुल है। अब पता नहीं अब्दुल बाहर गया है या कौन गया। यहाँ पे वैनम की टीम उतर चुकी है, आईबेक्स की टीम उतर चुकी है। इन दोनों का डेस्टिनेशन आई थिंक मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। एक मेरे ख्याल से बहुत जा रही है और दूसरी टेंपल जा रही है, मुझे जितना लग रहा है। बाकी राइडर की टीम उतर चुकी है, डेंजर बाबा की टीम उतर चुकी है, मेंटल्स की टीम उतर चुकी है, सर की टीम उतर चुकी है,
डार्क की टीम और फाइनली स्टार की टीम भी यहाँ पे उतर चुकी है। देखते हैं कौन कौन फाइट यहाँ पे आईबैक्स और वैनम की फ़ाइट हो सकती है, क्योंकि आई थिंक ये सेम डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। आई थिंक उनका रूट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। वैनम वाले पहले उतर चुके हैं, तो इनके लिए आईबैक्स वालों के लिए एक डिसएडवांटेज है। अगर उनको गन मिल गई तो फिर सीन थोड़ा सा ख़राब हो। तो मेंटल अलियान ने सर खान को नॉक कर दिया और यहाँ पे आईबैक्स उस्मान नॉक हो गए हैं, नॉक और फुल फिनिश कर दिया आईबैक्स। यहाँ पे आईबैक्स उसामा भी नॉक हो गए हैं, बहुत ही गलत लैंडिंग। यहाँ पे वैनम सैम को भी नॉक कर दिया है। यहाँ पे आईबैक्स हंटर यहाँ पे फुल फिनिश हो चुके हैं। आईबैक्स किलर आई थिंक द लोन सर्वाइवर। अरे बहुत गलत लैंडिंग की है इन्होंने, लगता है देखते हैं कि किलर क्या कर पाते हैं। यहाँ पे किलर ने एक बंदा डाउन कर दिया, ओ थोड़ा सा बच गया बस, और यहाँ पे फिनिश हो जाएगी क्योंकि सबसे पहले आईबैक्स की टीम आउट होते हुए। सो गाइस वेल प्लेड वैनम, क्योंकि इनकी लैंडिंग बहुत लेट हो गई थी आईबैक्स वालों की, बहुत ही गंदी लैंडिंग कराई थी इन्होंने। मेंटल नोमी ने जोकर वासे ओपी को यहाँ पे नॉक कर दिया और वहाँ पे मेंटल स्मोकी भी नॉक पड़े हुए हैं। मेंटल अलियान आ रहे हैं बचाने के लिए, मेंटल स्मोक को यहाँ पे फुल फिनिश कर दिया। जोकर लेजेंड को शॉट पड़ते हुए यहाँ पे, और यहाँ पे मेंटल की टीम भी ख़त्म होती हुई। यहाँ पे सर का एक बंदा नॉक पड़ा हुआ था, अच्छा उसको भी फिनिश कर दिया। सर टायरेंट यहाँ पे बचे हुए हैं आई थिंक, और उनकी भी, अच्छा वो भी नॉक हैं। सर साइको इज़ द लोन सर्वाइवर हेयर। चलते हैं सर साइको की तरफ, जो कि अकेले बंदे बचे हैं अपनी टीम के लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 3-4 स्क्वाड वाइप हो गए हैं। ओ भाई साहब, इट वाज अ नाइस गेम यार। बाकी ये यहाँ पे अभी लूट कर रहे हैं। अभी सर स्टार और डार्क की टीम काफ़ी पास पास लग रही है मुझे। ऑल दो इतना डिस्टेंस तो मतलब क्लोज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फासला है। यहाँ पे सर साइको अकेले ही अपनी टीम के लिए किल्स पोजीशन पॉइंट्स लेते हुए, क्योंकि किल्स तो वो नहीं निकाल पाए और इस खाते में उन्होंने अपने 3 बंदे भी खो दिए हैं। तो यहाँ पे जोकर की टीम लग्जरी हाउस पे राज करते हुए, राइडर की टीम मिलिट्री स्कूल पे राज करते हैं, और वैनम की टीम यहाँ पे एक मंदिर पे राज करते हुए। नाइस। और यहाँ पे किंग बाबा, जो डेंजर बाबा की टीम है, वो अभी तक कलेक्शन फील्ड में ही लूट कर रही है। डार्क वाली टीम पायर के पास आई थी, बट वो काफ़ी दूर दूर लग रहे हैं एक दूसरे से, और स्टार की टीम भी इनके काफ़ी करीब है। तो अगर इनका एक बंदा स्पॉट हो जाता है सफ़ी, तो वो यहाँ पे नॉक फिनिश हो सकता है इजीली। ओ भाई ओ, पानी में क्या कर रहा है यहाँ पे स्टार की टीम। ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है यार, इसका नाम क्या था, फार्म लैंड आई थिंक सो। हाँ फार्म लैंड, यहाँ पे अक्सर रैंक पुशिंग वाले आते थे। वैनम सैम बिग फैन, अरे ब्रो बिग फैन। मौज रसूल वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। अब ये कहाँ पे जा रहे हैं, अच्छा ये जोन में मूव इन कर रहे हैं, क्या पता इनको स्टार का बंदा स्पॉट हो जाए। ओपन में है स्टार का बंदा, स्टार्क सभी अकेले हैं और यहाँ पे 4 बंदे। डायरेक्ट यहाँ पे आके रुक चुके हैं। यहाँ पे स्टार अली को यहाँ पे डार्क सफी ने डाउन कर दिया अपने एम, अरे स्टार वहाब ने डार्क सभी को यहाँ के डाउन करते हुए। इड़े 3 vs 3, लेकिन उनके बंदे आई थिंक काफ़ी दूर हैं अभी, उनके बंदे काफ़ी दूर हैं अभी, तो क्या वो बचा पाएंगे कि नहीं। डार्क बोला एक जगह, डार्क जोकर दूसरी जगह। अरे ब्रो ज़ीरो टीम वर्क, काफ़ी दूर हैं। सो अब इन्होंने अपना किल सिक्योर कर लिया, यहाँ पे इजीली रिवाइव भी मिल जाएगा स्टार अली को। और बाकी यार इन इस टीम के पास एक खेल आता हुआ,
इनके आसपास हैं अभी डार्क जोकर, जो कि अभी थोड़ा डिस्टेंस में है, और बाकी इनके सामने है डेंजर बाबा की टीम। सो ये आई थिंक जब जोन में मूव इन करेंगे तो रास्ते में मुलाकात तो ज़रूर होगी। व्हाट अबाउट वेनम? मैं अभी आया, वेनम के पास 4 किल्स हैं और अभी वो बिल्कुल सेफ है, जोन में मज़े से लूट कर रही है। सो उन्होंने अच्छा खेला और देखते हैं कि चिकन निकाल पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे वेनम मादी है, वेनम सैम, वेनम सेफी और वेनम राइडर। सो गाइस यहाँ पे सर साइको के पास चलते हैं कि वो अकेले अकेले क्या कर रहे हैं। वो जोन की सर्किल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि जोन में जल्दी से जा पाए और अपनी टीम के लिए प्लेसमेंट पॉइंट उठाएं। यहाँ पे उन्होंने कार 98 को स्विच करके यहाँ पे क्यों बिजी उठा ली, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी गन स्विच करने का मौका आ सकता है। या राइडर ओपी, सर का लास्ट बंदा दिखाओ। हाँ ब्रो, सर का लास्ट बंदा यहाँ पे घूम रहा है। लूट तो इसके पास हो गई है, 5 हेल्थ किट उठाई हुई हैं, 5 पेन किलर और 3 बूस्टर्स। यहाँ पे लेवल 2 का गियर अप रहेगा इनके पास, एक QBZ और एक M762। M762 तो काफ़ी डेडली गन है क्लोज रेंज में, लेकिन हम QBZ पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी भी दगा दे सकती है। मैं पर्सनली यार यूज़ नहीं करता QBZ, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा उसकी वजह से मरा हूँ, क्योंकि यार उसका डैमेज ही नहीं है। उसकी जगह मैं M4 वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। बाकी देखते हैं, AK पे स्विच करेंगे हमारे सर साइको भाई, वहाँ पे एमओ भी उठाएंगे AK का, तो फुल रेडी है फाइट लेने के लिए। प्लेसमेंट पॉइंट्स तो निकाल चुके हैं, अभी 60 टीम्स लाए हुए हैं और 23 बंदे। जोकर की टीम गाड़ी में जा रही है, यहाँ पे बहोल आ चुकी है। अच्छा हॉर्न भी बजा रहे हैं, दे आर सर्चिंग फॉर एनिमीज गाइस। देखते हैं कहाँ कहाँ पे एनिमीज ढूंढ पाते हैं। अब क्या पता इनका, विकी बाबा को वहाँ पे नॉक कर दिया स्टार वालों ने, स्टार वहाब। यहाँ पे देखते हैं, शजू बाबा ने स्टार खान को भी नॉक कर दिया। आई थिंक ये बहुत ओपन में फाइट हो रही है। अरे हिटलर बाबा ने स्टार वहाब को भी डाउन कर दिया। नाउ दिस इज 3 वर्सेस 2। अगर यहाँ पे एक नेड आता है तो यहाँ पे 2 बंदे ख़त्म हो सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक रिवाइव मिल जाएगा इसको। विकी स्टार अली ने विकी बाबा को, और यहाँ पे शज्जू बाबा ने स्टार अली को भी नॉक कर दिया। अब एक बंदे को तो रिवाइव मिल चुका है स्टार खान को, यहाँ पे फिनिश करते हुए। यहाँ पे 2 वर्सेस 2, और वहाँ पे जोकर वाले पीछे से थर्ड पार्टी करने आ गए हैं। जोकर बीच ने हिटलर बाबा को यहाँ पे नॉक कर दिया। इट इज़ 1 वर्सेस 2 फॉर शेजू बाबा। देखते हैं वो निकाल पाते हैं कि नहीं। स्टार वहाब ने हिटलर बाबा को वहाँ पे फिनिश कर दिया अपना एक किल चुराते हुए, और यहाँ पे किंग बाबा भी आई थिंक फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे जोकर की तरफ से शॉट्स पड़ते हुए, यहाँ पे डेंजर बाबा की टीम, जो कि पीछे से बहुत गंदी थर्ड पार्टी हो गई थी जोकर की टीम की तरफ से। यहाँ पे इनके 3 बंदे लाए हुए, एक रिवाइवल के मूड में जा चुके हैं और यहाँ पे उसको रिवाइव भी मिल चुका है। यहाँ पे हील अप करना चाहेंगे, और इट इज़ 4 वर्सेस 3 नाउ। उनके पास हाइट एडवांटेज, इनके पास कवर का एडवांटेज, वो आएंगे तो ये मारेंगे। अच्छा यहाँ जोकर जब भी नॉक हो जाएंगे स्टार अली के हाथों। ओपन में लूट नहीं करते यार, स्मोक करके लूट करते हैं। तो चलते हैं, जोकर लेजेंड अभी स्मोक करना चाह रहे हैं, उनको बचाना चाहेंगे इस टाइम पे। नेड आया इनके पास, बहुत ही ओपी नेड था, बट यहाँ पे स्टार जूबी को ले चुके हैं जोकर वासे। वेयर इज जोकर वासे को स्पेक्टेक्टर। जोकर वासे ने स्टार अली को भी यहाँ पे नॉक कर दिया है। वो मेरे ख्याल से रशिंग कर रहे हैं, उन पर रश करें क्योंकि उनको पता है कि एक बंदा उनका नॉक हो चुका है और अभी एडवांटेज ले सकते हैं। पीछे से कवर फायर आते हुए, बल्कि 2 बंदे इनके नॉक पड़े हुए हैं। स्टार जूबी को होप सो रिवाइव मिल जाएगा। यहाँ पर नेड करना चाह रहे हैं, एक सही नेड और स्टार का सफाया हो सकता है, लेकिन आई थिंक ये कमरे के बाहर आ गया। ओह कमरे के अंदर चला गया था, इट वॉज़ अ गुड नेड, बट वहाँ पे रिवाइव मिल चुका है स्टार जूबी को, रिवाइव मिल चुका है। एक और नेड अंदर जाता हुआ, क्या ये परफेक्ट नेड हो सकता है कि नहीं? नहीं, इट वॉज नॉट अ परफेक्ट नेड। इट इज़ 2 वर्सेस 4 नाउ। जोकर इज रशियन, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास नंबर एडवांटेज है गाइज। तो देखते हैं कैसे वो मैच को लेके जाते हैं। बायरी बायरी चलांगे लगाए जा रहे हैं।
वहाँ पे स्टार बीस ने स्टार वहाब को डाउन कर दिया, जोकर बीस ने, और जोकर जूबी ने स्टार बीस को नॉक कर दिया। और यहाँ पे स्टार की टीम का भी सफाया होता हुआ, जोकर का एक बंदा जो कि रिवाइवल मोड में जा चुका है, लेकिन उसको इजली रिवाइव मिल जाएगा। टीम किल्स एट, 8 किल्स आ चुके हैं जोकर की टीम के पास। और वहाँ पे पीछे से सर साइको आ रहे हैं, अगर वो थर्ड पार्टी करना चाहें तो एक आधा किल निकाल सकते हैं। सर ओपी, यस गाइस सर इज ओपी, थर्ड पार्टी वालों को बैन करो। अरे ब्रो सबको बैन करते हैं ऐसे तो भाई, हमारे साथ सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी होती है। पर्सनली मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा हुई हमारी टीम के साथ, क्योंकि हम जितने भी टूर्नामेंट्स खेले हैं ना, हम मैक्सिमम थर्ड पार्टी की वजह से हमारे यहाँ। अभी पिछला मैच ही देख लो, उसमें भी हमारे साथ थर्ड पार्टी हुई है। अब हम राइडर वालों से फाइट ले रहे हैं, ऊपर से वो आ गए थे, डार्क वाले आ गए थे, और फिर साथ ही स्टार वालों ने भी थर्ड पार्टी कर दी थी। तो हमेशा हमारे साथ ही थर्ड पार्टी होती है यार। हाँ ब्रो बहुत अच्छा टीम वर्क किया जोकर वालों ने, उनका टीम वर्क अच्छा है यार। और मैं स्टार्टिंग से एक बात कहता हूँ कि यार बंदों से मैच नहीं जीता जाता। बेशक आपके पास चार बंदे हो, लेकिन अगर अगले दोनों का टीम वर्क स्ट्रांग है ना, तो वो 2v4 कर सकते हैं आपके साथ। हाँ ब्रो, जहाँ पे जिस टीम में टीम वर्क नहीं है ना, तो वो कभी भी चिकन के करीब भी नहीं जा सकती यार। चिकन निकालना तो दूर की बात है, दूसरे तीसरे स्पॉट्स पे भी जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जोकर की टीम बड़े आराम से लूट शूट करते हुए, और यहाँ पे साइको का बंदा इन्हीं के पास आ रहा है आई थिंक। हाँ थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, आई थिंक उनको भी भनक लग गई है कि अब ये यहाँ पे होल्ड करना चाहेंगे। और नाइस, अगर थोड़ा सा ये गाड़ी और डैमेज होती ना, तो ये हो सकती थी। सर साइको वहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं, देखते हैं सर साइको क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हील अप करना चाहेंगे, असल में इनके पास कवर अब नहीं है, अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट से बंदा आ चुका है, राइट से भी बंदा आ चुका है। लेफ्ट से इनको शॉट्स पड़ते हैं, और यहाँ पे जोकर वासे ने यहाँ पे बिल्कुल फिनिश ऑफ कर दिया इसको। देखते हैं कौन कौन सी टीम, इनके वेनम की टीम आ रही है, जोकर की टीम अब फाइट लेने जा रही है राइडर्स की टीम, और डार्क की टीम साइड पे बैठी हुई है। एयर ड्रॉप चेक करते हैं, एयर ड्रॉप में क्या है, MK14 उठा ली, लेकिन ऊपर से आ रही है राइडर की टीम। देखते हैं क्या फाइट होती है, राइडर की टीम आ चुकी है यहाँ पे, जोकर बीस नॉक होते हुए राइडर हिटमैन के द्वारा। जोकर जबी ने राइट राइट राइडर हिटमैन को यहाँ पे नॉक कर दिया भाई। ऑलरेडी से एल्गार्डो स्ट्रीम लग रही है, यस ब्रदर मैं एचडी में लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, क्योंकि कोशिश रहती है कि भाई अब वैनम मादी ने राइडर किलर को नॉक कर दिया, अब थर्ड पार्टी का मज़ा आना है। पीछे से वैनम की टीम आ चुकी है, यहाँ पे राइडर के आई थिंक एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है, जोकर बीस्ट को रिवाइवल मिल चुका है यहाँ पे। ब्रो मैं चाहता हूँ कि मतलब ना एचडी में स्ट्रीमिंग हो और सब अच्छे से हो जाए ना। एड्रेस भी एबेक्स मर गए, हाँ एबेक्स मर गए। राइडर हिटमैन को यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए वैनम मादी, वैनम की टीम इसमें अपना बहुत अच्छा रोल दिखा रही है, बहुत अच्छी गेम प्ले दिख रही है हमें। वहाँ पे राइडर की तरफ से शॉट्स आते हुए, वैनम राइडर ओपन में प्रोन है, क्या वो नॉक हो पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे शॉट्स आते हुए और वैनम राइडर यहाँ पे नॉक हो गए हैं। अभी जोकर वालों के पास मौका है इनको थर्ड पार्टी करने के लिए, लेकिन वो वहाँ से निकल रहे हैं, आई थिंक जोन के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे राइडर के दो बंदे जस्ट रह गए हैं, राइडर शहरी, राइडर जुनेद और राइडर शहरी। राइडर जुनेद ने यहाँ पे बूस्ट किया है, और ये आई थिंक फाइट को डिले कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ 4v2 नाउ। ये जितना करना चाहते हैं फाइट को डिले कर रहे हैं। अब थोड़ा सा उन्होंने रोटेशन लिया राइडर शहरी ने, अच्छा ओपन में रोटेट करोगे तो मारे जाओगे, यहाँ पे अगर स्पॉट हो गए तो इंस्टेंट नॉक फिनिश हो सकते हैं शहरी। जोकर वहाँ से ओपी वहाँ प्ले जोन से जाते हुए हैं, सर सैड अबाउट एवेक्स, यस यहाँ पे स्प्रे देते हुए वैनम सैफी को यहाँ पे नॉक कर दिया। वैनम के दो बंदे, वैनम सैम भी अब प्ले जोन से डाउन हो जाएंगे। वैनम मादी इज द लोन सर्वाइवर, यहाँ पे शॉट्स देते हुए और इसको नॉक कर दिया। और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कवर फायर राइडर जुनेद की तरफ से, जो कि यहाँ पे एक फिर से राइडर्स को एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, ताकि वो रिवाइवल के मूड में चले जाएं। अब इट इज़ 3v2v2 गाइस, जोकर वर्सेस डार्क।
वर्सेस राइडर्स, देखते हैं आज का चिकन कौन लेके जाता है। डार्क के दो बंदे हैं, डार्क बोला और डार्क जोकर। यहाँ पे जोकर के तीन बंदे हैं और राइडर्स के दो बंदे। देखते हैं जोन में कौन है, राइडर्स वाले जोन में, बाकी दोनों को जोन में आना है। यहाँ पे शॉट एक्सचेंज होते हुए जोकर बीस्ट वहाँ पे प्रोन हो चुके हैं। उस टाइम दे रोटायर में बैठे बकला था। यहाँ पे राइडर जुनैद को यहाँ पे नॉक कर दिया। राइडर जुनैद नॉक फिनिश हो गए। अब राइडर शरी पे सारा बोझ आता हुआ अपनी टीम का। इट इज 3 vs 2 vs 1। अभी अगर पीछे से वो थर्ड पार्टी करते हैं तो होप सो जोकर को गिरा सकते हैं। यहाँ पे जोकर जू भी शॉट्स देते हुए डार्क बोला को। डार्क जोकर भी जोन में आ रहे हैं। यहाँ पे नॉक होने का चांस, डार्क जोकर को नॉक कर दिया। यहाँ पे डार्क बोला इज सर्वाइविंग ऑन 30 HP। उन्होंने हील किया है, हील अप किया है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ पे शॉट्स पड़ते हैं डार्क बोला को और यहाँ पे नॉक, देखते हैं कौन नॉक होता है। यहाँ पे डार्क बोला फिनिश हो जाएंगे आई थिंक सो। यहाँ पे डार्क बोला फिनिश हो गया। इट इज़ 1 vs 3 नाउ, शेरी वर्सेस राइडर्स वर्सेस जोकर। और यहाँ पे जोकर जूबी को और यहाँ पे नेड आया और यहाँ पे फिनिश हो गए। जोकर लेजेंड का एक बहुत ओपी नेड, जोकर ओपी इन द चैट गाइस। जोकर ने चिकन किया है विद 12 किल्स। दूसरे नंबर पे आई है राइडर की टीम। राइडर की टीम के पास आए हैं 3 पॉइंट्स गाइस। तीसरे पे आई है डार्क की टीम जो कि 0 किल के साथ। चौथे पे आई है वैनम की टीम। वैनम की टीम के पास 6 किल्स हैं, सर के पास 0 किल्स। तो पाँचवें नंबर पे आई है, छठे नंबर पे आई है स्टार की टीम विद 4 किल्स। सातवें पे आई है डेंजर बाबा की टीम विद 1 किल। आठवें पे मेंटल की टीम विद 2 किल्स और लास्ट में आई है आईबैक्स विद 0 किल्स। सो गाइज इट वॉज अ गुड मैच। सब टीमों ने अच्छा खेला लेकिन जोकर ने काफ़ी अच्छा खेला। उनका टीम वर्क, उनका मैन पावर, उनके पास लास्ट जोन में नंबर एडवांटेज भी था जिसकी वजह से मैच उनके खाते में चला गया। सो यार गुड लक। अब कल का फाइनल मैच होगा जो कि एक मैच रहता है, तो सब टीमें तैयार होके आना यार। वो एक लेजेंडरी मैच होगा इंशाल्लाह इस वीक का। और नेक्स्ट वीक के लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। सो जो टीम भी रजिस्टर करवाना चाहती है, जो किसी जानने वाली टीम है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह दो वो बनाएंगे ना, ग्रुप बनाएंगे जहाँ पे अलग अलग मैचेस होंगे। सो लेट्स सी यार, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तो सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। और चलते हैं खाना छाना खाते हैं यार, क्योंकि स्ट्रीमिंग करते हुए बंदा बोलता है तो पानी शानी भी फिर पीना पड़ता है बाद में। सो गाइस चलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अल्लाह हाफिज़।